नमो अरहंतारम नमो सिद्धारम नमो वार्यारम नमो वज्यायारम नमो लोये सवसाहुलम शुद्धात्मान मनिकांतम साधुक्तम मंगलम वंदे संदृष्ट सिद्ध्यर्थम संदृष्ट प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन नमः समय साराय स्वानुभूत्या चिकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरिक्षे आराधना अर्थात निरपराध दशा, विराधना अर्थात अपराध, एक ही शब्द है। आराधना इष्ट क्यों है? जीव को सुख इष्ट है, और आराधना का अर्थ भी यही होता है, प्रसन्न रहना। आराधना का अर्थ है प्रसन्न रहना, ये शब्दार्थ है, पारिभाषिक अर्थ नहीं है। शब्द से परिभाषा कैसी बनती है आपको मालूम होगा, प्रसन्न रहना, ठीक है। अब किसको देखकर प्रसन्न रहना, कैसे प्रसन्न रहना, कब प्रसन्न रहना, कहाँ प्रसन्न रहना, इन प्रश्नों के अगर उत्तर जोड़ दें तो परिभाषा बन जाए। जैसे शीलवती नारी का लक्षण क्या है? पति को देखते हुए प्रसन्न रहना, संतुष्ट रहना हर हालत में। राम के साथ सीता जी जंगल में भी प्रसन्न, और राम के बिना महल में भी रहना सही बात नहीं। वस्त्राभूषण बहुत अधिक हो कम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुविधाएं ज्यादा हो कि कम हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पति को देखते हुए प्रसन्न रहना, पति में संतुष्ट रहना, इसको शील कहते हैं। उसी प्रकार आत्मा को देखते हुए, आत्मा को देखने का अर्थ क्या है? अपने को आत्मा देखते हुए, कल्पना करते हुए नहीं, विकल्प करते हुए नहीं, देखते हुए, अनुभवते हुए, अपने को आत्मा अनुभवते हुए निरंतर प्रसन्न रहना। वे छोटा है बड़ा है, रोगी है निरोगी है, पैसा है नहीं है, क्षेत्र कम है ज्यादा है, कहाँ बैठे हैं, कहाँ बैठना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, आत्मा आत्मा ही है सदाकार। यहाँ और यहाँ से क्या फर्क पड़ेगा? क्या आत्मा अनात्मा हो जाएगा? यहाँ बैठने से क्षेत्र बढ़ जाएगा, यहाँ बैठने से घट जाएगा? सोचो, यहाँ बैठ गए तो मन मलिन हो गया, यहाँ बैठ गए तो प्रसन्न हो गए। अरे नहीं भैया, संयोगों को देखकर प्रसन्न रहना ये रौद्र ध्यान है। क्या पैसा, क्या बिल्डिंग, क्या गाड़ी, क्या सीट, क्या मंच, क्या मान स्वागत सत्कार, अरे पाप भाव है, रौद्र ध्यान है। संयोगों को देख देख करके प्रसन्न रहना ये पाप भाव है। होना और रहना दोनों, ठीक है। क्या बढ़िया बारात निकल रही, क्या सुंदर बहू है, क्या छोटा सा, क्या प्यारा बच्चा है, अरे पाप भाव है तुझे पता नहीं। संयोगों को देखकर प्रसन्न रहना पाप भाव है, शरीर को देखकर प्रसन्न रहना पाप भाव है। क्यों पाप है? ये अपना नहीं है, अपना स्वरूप नहीं। जैसे परस्त्री को देख करके प्रसन्न होना पाप भाव है कि नहीं है?
ऐसे ही परद्रव्य को देख करके प्रसन्न रहना पाप भाव। क्या बढ़िया ड्रेस है, क्या बढ़िया वेश है, क्या सुंदर चाल है, पाप भाव है, तुझे पता नहीं विराधना है। और विराधना अलग से नहीं होती, आराधना न होना ही विराधना है। अपने योग्य आराधना नहीं करना ही विराधना है। इस तरह के कितने वाक्य बोले थे, कुछ होश है। यथा योग्य आदर नहीं करना ही अनादर है। हम का कुछ कह रहे, अरे कहना चाहिए। हम आए खड़े हुए बैठे, हम का कुछ कह रहे, हम का अनादर कर रहे। अरे तुम्हें मालूम, आ भैया कब आए, बैठो चलो भोजन करो। अनादर है, चुपचाप रह जाना। हमका कह चु कह रहे, अरे कहना चाहिए, जहां बोलना चाहिए वहां बोलो, जहां मन में हर्षित होना चाहिए हर्षित हो। बुरी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। हमका कह चु, हम क्या कर रहे, अरे नहीं कर रहे कि कर रहे, यही तो सोचो, करना चाहिए। योग्य पुरुषार्थ नहीं करना ही प्रमाद है। अगर आप योग्य पुरुषार्थ नहीं करते तो प्रमादी हो। हम क्या प्रमाद कर रहे, हम तो परे हैं, बस यही तो प्रमाद है, और क्या प्रमाद। पांच इंद्रिय मन को बस में न करना, उनके बस में होकर के प्रवृत्ति करना, यही स्वच्छंदता है। अनुशासन नहीं होना ही अनुशासनहीनता है। ज्ञान नहीं होना ही अज्ञान है। ज्ञान का अर्थ तत्व ज्ञान, भेद ज्ञान, आत्म ज्ञान। जिस ज्ञान से जीव सुखी होता है वो ज्ञान नहीं है तो कोई मतलब का नहीं। कोई पूछने लगा तो अच्छे लगने लगा, कोई नहीं पूछने लगा तो बुरा लगने लगा। ये क्या मतलब हुआ, ये तो लोक दृष्टि है, लौकिक दृष्टि है। किनको पूछ रहा है, कौन पूछ रहा है, तुम्हारा उदय खुदय सब देखो। शास्त्र भी तो पढ़ो भैया। अगर पुण्य का उदय सब आदर कर रहे, पुण्य का उदय नहीं है ना आदर नहीं कर रहे, तो इसमें क्या हो गया। तुम तो ये सोचो, ये आदर हमारा आदर नहीं, ये अनादर हमारा आदर नहीं, ये भोग हमारे भोग नहीं। वो परसों चला था स्वाध्याय, भोगो भोग परिमाण। नहीं, भोगो भोग परिमाण तो बाद में करना, पहले तो सम्यक तो करो ना। क्या ये भोग हमारे भोग नहीं है, अब तुम्हें यही होश नहीं है। ये भोग हमारे भोग नहीं। एक दृष्टांत दिया था बहुत पहले, याद हो तो। कोई स्त्री ये सोचे, हम तो तीन पुरुषों का नियम कर रहे, तो ये घर की बात है, तीन पुरुषों का नियम कर रहे। जब स्त्री का एक पति होता है तो तीन पुरुष कैसे होंगे, तीन का नियम करने वाला होता कौन है। हम तो चार मकान रखे, अरे चार मकान तो रखने वाले होते कौन है, परमाणु मात्र मेरा नहीं। ये तो एक व्यवहार ना, एक कथन अलग है। भैया हम तो 9 बजे तक खाते हैं, 9 बजे तो उदय होगा ना खाने वाले। जब रात्रि भोजन के त्याग का अर्थ है अंतर मुहूर्त पहले भोजन कर लेना, तो तुम 9 बजे तक भोजन करते और अपने को जो मान रहे हम रात में नहीं खाते, हम तो खाली 9 बजे तक लेते हैं। अरे तो 9 बजे रात होती है कि दिन होता है, ये तो बताओ। हम ये नहीं कह रहे सारी रात खाते हैं उसकी तुलना में 9 बजे तक ही खाते हैं, चलो मान लिया, लेकिन वो आचरण का विषय अलग है। आपको एक दृष्टांत और दिया था, कभी ध्यान हो तो। दृष्टांतों से विषय सरल हो जाते हैं। स्त्री के व्यवहार में, वचनों में कभी पति गौण भी होता है, जानते हो।
जानते हो कुछ के नहीं, पति गौण भी हो जाता है। कैसे? बच्चे की तबीयत खराब है, वो बच्चे के पास बैठी, बच्चे को देख रही है, हैं पानी दाना, लड़की से वो ले लेना, पापा को पानी दे देना, जैसे कछु नहीं, और वहां बच्चे के पास बैठी, गौण कर दिया कि नहीं व्यवहार में। भाई आ गया, भैया, और पति आया, वो जरा भोजन पर लड़की से परोस देना, ऐसा होता ही है। गौण मुख्य होते हैं कि नहीं होते, लेकिन हृदय में कब गौण होता है? दृष्टि में कभी गौण नहीं होता। गौण मुख्य का काम ही नहीं है वहां। क्या गौण मुख्य का काम नहीं तो क्या काम है बताओ? सर्वस्व होता है। गौण और मुख्य की क्या बात है? पति हमारा सर्वस्व है। सौभाग्य का आधार सुंदरता नहीं है, सौभाग्य का आधार भोग नहीं है, सौभाग्य का आधार वैभव नहीं है, सौभाग्य का आधार पति है। सर्वस्व होता है कि गौण मुख्य होता है बता? और सर्वस्व होते हुए भी व्यवहार के प्रसंगों में कभी गौण और मुख्य करना पड़ेगा। बच्चे को स्कूल जाना और हमको भोजन, रुक जा बाद में खा लेना बच्चे भोजन, उसको पर्स गौण हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन गौण होते हुए भी बेटा बेटा है, भाई भाई है, पड़ोसी पड़ोसी है, और पति पति है। पति की तुलना किसी से नहीं हो सकती, आत्मा की तुलना किसी से नहीं हो सकती। आत्मा आत्मा है, समझ गए क्या? क्या दूसरा वाक्य बोलती क्यों नहीं है किंगल पकड़ करके? अरे तुम्हारा क्या सुनते हो, आत्मा आत्मा है, आत्मा सर्वस्व है। जिन्होंने सर्वस्व दिया है, दीक्षा देने वाले आचार्य को यह कहा, जिन्होंने सर्वस्व दिया है, आत्मा दिया माने सर्वस्व दिया। अच्छे लोग, जिसने लड़की दे दी तुम्हारे लड़के के लिए, बहू आ गई है सेवा करने के लिए, अब माने फ्रिज नहीं दाओ, माने वो कूलर नहीं दाओ, क्या घिनापने की बातें करते हो? जिसने तुम्हें पाल पोस करके सेवा करने के लिए अपनी लड़की सौंप दी, अब बाने जे नहीं दो, बाने जे, ऐसी बातें करते कहो का दो, अरे सब कछु दो। सोचो काम कौन आएगा? ऐसे जिन्होंने आत्मा दिया उसने क्या, उन्होंने क्या नहीं दिया? दीक्षा दी उन्होंने क्या नहीं दिया? मोक्ष दिया है। सम्यक तो दिया उन्होंने क्या नहीं दिया? मोक्ष दिया। आदि पुराण में चर्चा आई है, वे मुनीश्वर पहुंचे कहां? भोग भूमि में। हे आर्य, हे अम्ब, हम तुम्हें सम्यक तो देने आए हैं, पूर्व काल में तुमने धर्म की भावना भाई थी लेकिन सम्यक तो प्राप्त नहीं कर पाया, हम तुम्हें सम्यक देने आए। हे गुरु, हे तात, आपने आपने करुणा की है हमारे ऊपर, हम धन्य हैं। कालब्धि आ गई, तुम सम्यक तो प्राप्त करो। सम्यक तो माने सर्वस्व दिया। आप मिले मानो मिली मुक्ति ही, साक्षात नित्य मुक्त परमात्मा शुद्धात्मा अंतर हुआ प्रत्यक्ष। गाड़ी मिल गई, गंतव्य मिल गया। लोग व्यवहार में कहते हैं डॉक्टर मिल गया, ठीक हो गया, इलाज हो गया। यही शास्त्र में लिखा है, गग्गा घाट सुघाट पे नाव लगी है आए। अब तो घाट पे आ गए, अब क्या करने? जिंदेव मिल गए माने सर्वस्व मिल गया। हमने कहा हम का विरोध कर रहे, अरे पीठ खड़ के खड़े होना यही विरोध है, यही अभिनय है। भगवान भगवान हैं, गुरु गुरु हैं, शास्त्र शास्त्र हैं, और आत्मा आत्मा है। तत्व में बोलो, संबर संबर है, नेजरा नेजरा है, मोक्ष मोक्ष है, और जीव जीव है। जीव की तुलना किसी से नहीं हो सकती।
भले आपकी परिणति में अभी संवर न हो, लेकिन आत्मा है। संवर और आश्रव प्रतिपक्षी हैं, मिथ्यात और सम्यक प्रतिपक्षी हैं, कषाय और वितरागता प्रतिपक्षी हैं, दोनों में से एक होगा, लेकिन आत्मा सदाकार। आराधना मने प्रसन्न रहना अधूरा, केवल शब्दार्थ है। किसको देखकर प्रसन्न होना, ये पहले भी चर्चा कर चुके हैं हम स्वाध्याय में भैया। आत्मा को देखते हुए प्रसन्न रहना, ये परमार्थ आराधना है। और आत्मा को दर्शाने वाले वीतरागी देव मिल गए, गुरु मिल गए, शास्त्र मिल गए, ज्ञानी मिल गए, ओ अशरीरी होने का शास्त्र मिल गया। महाराज जी हम बेचवे आए हैं, बेचवे आए हो, इसका मूल्य तो हमारे पास नहीं है। रायचंद जी कैसे बोले, इसका मूल्य तो हमारे पास नहीं है। उसे कहा सेवक से, नहलाओ धुलाओ, भोजन कराओ, उसके बाद बैठो, यहाँ विराजमान कर लो। भोजन करा, उसके बाद आकर के बैठे, बोले भैया ये ढेर लगा है, उसमें भले खो गए जितनी ले जा पाओ, मूल्य नहीं है। ये मत कहना इतने का शास्त्र बेच के आए, मूल नहीं है, निर्मूल अनर्घ है। बनाऊं पत्र कुंदन ना, रत्नो ना अक्षरो लखी, तथापि कुंद सूत्रो ना अंकाए मूल ना कदी। इस तरह से मूल्य नहीं है तो क्या मूल्य है, उस आत्मा का अनुभवन करो, यही मूल्य है उसका, यही सफलता है। मेरी माँ बहुत अच्छी है, अच्छी साड़ी पहने है, अच्छे हार पहने है, बहुत पढ़ी लिखी है, अरे ये नहीं, माँ ने जो भोजन बनाया है तुम भूखे मत रहो, संतुष्टि से भोजन कर लो, यही माँ का आदर है। दो सुनाने हो सुनाए भले लो, तूने इतनी देर कर दी, तूने भला ना कर दिया, इतनी गर्मी है और जिसमें नमक नहीं डाला और इसमें फला, तो और सुना लो दो चार, लेकिन खा लो। और हम कछु नहीं कहे, एक शब्द नहीं बोले, कैसो है, अच्छो है, खराब है, नमक है कि नहीं, और बस उठ आए चुपचाप, कहे अनादर है। हमने उठे चुपचाप उठ गए, इसका विचार नहीं किया, भेद ज्ञान नहीं किया, अनुभवन नहीं किया, ये अनादर है। पंडित जी बहुत अच्छे हैं, शास्त्र बहुत अच्छा है, आचार्यों का बड़ा उपकार है, जिन धर्म तो महान है, अरे बातें कर रहे भैया, अनुभवन कर लो, तुम कछु मत कहियो, तुम्हारा जीवन बताएगा जिन धर्म महान है, तुम्हारा जीवन बताए, उत्कृष्ट जीवन ये बताएगा कि तुम क्या कहें, जिस शास्त्र का स्वाध्याय कर रहे हो वो शास्त्र उत्कृष्ट का, तुम्हारे जीवन में क्षमा विनय सरलता होगी। कहे भैया कौन सा शास्त्र का स्वाध्याय करते हो, हम भी करें। ये आराधना का फल काय के लिए है, आराधना क्यों बता रहे हैं, आराधना इष्ट क्यों है, कि आराधना का फल इष्ट है, इसलिए आराधना इष्ट है। हे भाई जिस सुख को तुम चाहते हो वह सुख भोग संयोगों में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, वह सुख स्त्री में नहीं है, बाल बच्चों में नहीं है, धन वैभव में नहीं है, भोग संयोग में नहीं है, मान प्रतिष्ठा में नहीं है, नहीं है। और उस सुख का घात करने वाले दारिद्र नहीं है, रोग नहीं है, अकेलापन नहीं है, कोई प्रतिकूलता नहीं है, शरीर छोटा काला होना नहीं है, उस आराधना का सुख का घात करने वाली विराधक परिणाम तुम्हारे परिणाम। दो तीन दिन पहले हमने स्वाध्याय में कहा था भैया ज्ञान दुर्लभ है, क्यों विनय दुर्लभ है, बस जिसके हृदय में विनय है उसको ज्ञान दुर्लभ नहीं होगा, जिसके पुण्य का उदय है उसको वैभव दुर्लभ नहीं है। अपने आप जबरन आए रहो,
आज बिजली खराब हो गई रात भर बिजली। अरे पुण्य खराब है, परिणाम खराब नहीं हो तो कुछ नहीं, रात भर के अंधेरे में भी आनंद में रहोगे, उजाले में रहोगे, और नहीं तो उजाले में भी परेशान रहोगे। क्या सुंदर चर्चा है पुरुषार्थ सिद्धि पार में, धर्मो विवर्धनीय। कमाने लायक है तो धर्म कमाओ, धर्म कमाओगे पैसा अपने आप आएगा, पद प्रतिष्ठा अपने आप मिलेंगी। क्षयोपशम अपने आप बढ़ेगा। जो गुरुजनों की सुनते हैं उनकी सुनने के लिए अपने आप लोग तरसते हैं, और नहीं तो कोई सुनना नहीं चाहता। इसमें अपना अपराध क्या करें, कोई आता ही नहीं, कोई सुनता ही नहीं, कोई मानता ही नहीं। कि तुमने कोई कोई की जगह अपन लगा लो, हमने सुनी अनसुनी करी है, हमने देखी अनदेखी करी है, उसका फल है। ताको जो उदय अब आयो, नाना विधि मोहे सतायो। हम ये कह रहे हैं, पुराणों की चर्चा को पढ़ो, अजगर के मुंह में जब समाधि शांतता परिणाम रह सकते हैं तो कौन सी प्रतिकूलता है तुम्हारी, ये बता रहे। क्यों वो विसल्या का जीवन अंग धरा अजगर के मुंह में, अजगर बड़े बड़े होते, वो सांस लिए ऐसे कैसे खींच लेंगे, उसी मुद्रा में ऐसे खींच लिया। पिता आया चक्रवर्ती, तीर लेकर के कमान पर तीर चढ़ा दिया, पिताजी अवैधान, एक जीव के लिए दूसरे जीव को मत मारो, हमारा त्याग है, हमारी संलेखना है। हा हा, किस बल पर निकलेंगे ये वचन, कम से कम व्यवहार सम्यक तो हो। देव के वचनों में, गुरु के वचनों में, शास्त्र के वचनों में कितनी श्रद्धा भाव, कितनी कैसी अहिंसा, और अभी भी निश्चय सम्यक तो नहीं। क्यों निश्चय सम्यक मिलता तो विसल्या फिर काय बनती, सोचो फिर स्त्री पर्याय में नहीं आएगी ना। हम ये कहते हैं कसाएं भी कितनी मंद हो जाती हैं विशुद्धि लब्धि। अब तुम्हारे कौन, तो तुम्हारे ये कौन दुख है ये बताओ, तुम्हें क्या परेशानी याद हो रही बता। गर्मी बहुत है, अजगर के मुंह में देखो पूरा गल जाएगा, वो गल जाएगा दिन है। हाँ बना है, प्रसंग बना हुआ, ये बना तो है। भाई ये तो देखे हुए बने हैं और देखने के लिए बने हैं, देखने के लिए बने, देखो समझो शिक्षा ले सीखो, आज श्रद्धा जानो पालो भाई, श्रद्धा करो आचरण करो। कितनी क्षमता, तुम्हें अनंत सुख चाहिए तो अनंत क्षमता होना चाहिए। और ये बनवे मार्ग है, ध्यान रखना बनवे है, अपनी ओर से चलते जाओ, दूसरा क्या कर रहा है इसको मत देखो। अरे ऊपर ही चढ़ो, आयो नहीं चढ़ सकता, ऊपर ही ऊपर चढ़ेगा, भीतर नहीं घुसेगा, घबराओ नहीं। आपको बताया था अंतर यही ऊपर ही जान, अंतर नहीं भीतर ही जान। आराधना इष्ट इसलिए है कि आराधना का फल इष्ट है। जिस सुख को जीव चाहता है वह सुख बिना आराधना के नहीं मिलेगा। मुनि दशा को भी धारण कर ले, ग्यारंग नौपुर के शास्त्र भी पढ़ ले, तो भी भैया आराधना के बिना सुख नहीं मिला। आत्मा को पहचानने वाला, अनुभवने वाला त्रियंच भी आराधक, और आत्मा को न जानने वाला मनुष्य और देव भी विराधक।
जिसकी दृष्टि में देह है, देह सर्वस्व है। पंडित जी ने क्या शब्द लिखे, जिस जिस प्रकार देह को और अपने को एक मानता है, जिस जिस प्रकार माने सर्व प्रकार, कभी विचार भी नहीं आता है ये हम नहीं है, ये हम नहीं है, ये हमारे नहीं है, कभी विचार में भी नहीं आता। वो लड़का कहाँ गया, वो फलाना कहाँ गया, वो फलानी चीज कहाँ है, आज फलाना लाओ, आज ये लाओ। अरे भैया विचार करो, पंच परावर्तन करते करते कौन से भोग संयोग नहीं मिले जिनके पीछे भाग रहे हो। कौन से पद नहीं मिले जिनके पीछे लड़ रहे हो। अनंत बार राजा हुआ, महाराजा हुआ, मंडलेश्वर हुआ है, बताओ, नारायण हुआ, प्रतिनारायण हुआ, बलभद्र हुआ, कौन से पद ऐसे हैं जो नहीं मिला। एक चैतन्य पद ही अपूर्व है। और एक चैतन्य पद को प्राप्त करने वाले जीव ही ऐसे ऐसे संतुष्ट हैं, ऐसे तृप्त हैं, कोई पद उसको आकर्षित नहीं करते, बल्कि आफत और लगती है। पंडित जी ने क्या लिखा, अमृतचंद स्वामी ने भी लिखा है लेकिन हिंदी बता रहे हैं, जो पद भव पद भय हरे, सो पद सेव अनूप, जा पद परसे और पद लगे आपदारू, कांकी आफत आ गई। जैसे सीलवती नारी के पास कोई दूसरा पुरुष आ जावे, जी को आएगा, काहे को आएगा, जा निकालो बाहर। चाहे वो सुतारा का दृष्टांत लें, चाहे वो मनोरमा का दृष्टांत लें, चाहे चंदनवारा का दृष्टांत लें, चाहे किसी का भी दृष्टांत है, भी आए को। वो डबल सीट चला चला रहे, हाय को गो, काय को आयो, हटो यहां से, निकलो बाहर। ऐसे ये विराधक परिणामों को निकालो, ये आ कहां से गया, ये मोह का परिणाम, ये लगा कैसे, ये अच्छा है ये बुरा है, इस स्टनिश की कल्पना को धिक्कार है। ये इष्टनिष्ठ की कल्पना हमारे ज्ञान को, दर्शन को, सुख को घात करने वाली है, हमारी समता को नष्ट करने वाली है इष्टनिष्ठ की कल्पना। जहां इष्टनिष्ठ की कल्पना होगी वहां राग द्वेष हुए बिना नहीं रहेंगे, निश्चित है। एक वाक्य अभी तो पढ़ा होगा दो दिन पहले तुमने, बोलो, परम सुख की कल्पना ही अनंत दुखों का मूल है। परम सुख की कल्पना ही अनंत दुखों का मूल है और कोई दुख नहीं। विराधक जीव ही अनंत कर्मों को बांधता है, आराधक जीव को कर्म चारों ओर होने पर भी लोकाकाश कारवाण बरगणा से ठसा ठस भरा है कि नहीं, तो यहाँ है कि नहीं, कर्म यहाँ है कि नहीं है, लेकिन देह स्पर्शते नहीं है। आराधक जीव को कर्म स्पर्शते भी नहीं है और विराधक जीव को कर्म घेरते हैं। कर्मों के बंद का एकमात्र कारण है विराधना और कर्मों की नाश का एकमात्र उपाय है आराधना। शुद्धात्मा की आराधना ये कर्मों की नाश का परमार्थ कारण है। और व्यवहार का व्यवहार बताया था ना आराधना में, बोलो एक बात बताओ, दृष्टांत से समझ में आ जाएगी जल्दी। कई बार कह चुके, सीता के सामने जब लंका में अंगूठी आई तो चेहरा प्रसन्न क्यों हो गया, राम बर राम अते अंगूठी है वो तो। अब अंगूठी दिखी उसमें कितना खुश हुआ कि बिल्कुल नहीं, अंगूठी पर राम दिखाई दिया तो कितना प्रसन्न, कितनी प्रसन्नता हुई, मानो साक्षात राम मिल गए। अब चलो आगे बढ़ो, जब हनुमान सामने आए कैसा लगा,
भाई आ गया, वो भामंडल आ गया। क्यों? पति का संदेशा लेकर के आया है। पति का संदेशा लेकर के आया, भैया तुम कौन हो, तुम्हें ये अंगूठी कैसे मिली, कैसे आ गए इतनी दूर, सारा प्रश्न। कितना प्रसन्न, अब मैं तुम्हें क्या दूं, मैं तो खुद बंधन में यहां पड़ी, अब तुम्हारे कैसे इस वात्सल्य की अभिव्यक्ति कैसे करूं, कछु नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं, इस वात्सल्य की अभिव्यक्ति कैसे करूं, हनुमान आए मानो ऐसा गया, राम ही मिल गए हो, राम से कह देना, राम को संदेशा, राम का संदेशा सुना और राम को संदेशा दिया, हनुमान का इतना मूल्य बस। तो बड़ा स्वार्थ है कि स्वार्थ नहीं है, ये परमार्थ से जुड़ा हुआ स्वार्थ है। जब लो नहीं शिव लहू तब लो देव यह धन पावना, धन जानते हो, धन क्या धन है बताओ, सत्संग, ये धन है, प्रॉपर्टी है हमारी। भैया करोड़ों की माया हो, घर में शांति नहीं हो तो क्या करोगे, कलिहारी नारी मिल जाए, लड़का को जुआरी हो जाए, इस लड़की सील रहित हो जाए, बताओ क्या होगा, दिमाग खराब होगा, कितना टेंशन होगा, कितना दुख होगा, और कछु नहीं है। अब मजदूरी कर रहे, नॉन रोटी खा रहे, सब में आपस में प्रेम है, तो क्या पूछो, सोचो, सत्संग ये हमारी प्रॉपर्टी है, धन है, बड़े धनवान हैं हम लोग अपन बैठे, लेकिन तुम्हें लगता नहीं तो हम करें क्या, कंजूस को लगता ही नहीं है, वो हमारे पास धन है और समय रहते सदुपयोग कर लेना चाहिए, ये तो चंचल अध्रुव है, विनाशीक है, असरण है, समय रहते सदुपयोग करना चाहिए, ये उसको समझ में नहीं आती, ऐसे इसको लगता नहीं इस मोही जीव को, ये धन है हमारा। यहाँ परस्पर में तत्व की चर्चा होती है, स्थितिकरण होता है, वात्सल्य होता है, धर्म की प्रभावना होती है, वो धन नहीं है और क्या धन होगा बता, अगर ये धन नहीं है तो कोई भी धन नहीं है, सुन लो कान लगा के, साहब ईंट पत्थर पुद्गल के स्कंद है, क्यों, जितना भी रुपया पैसा सोना चांदी हीरा जवाहरात भी मिला है वो इस सत्संग का फल है। पूर्व में दान किया होगा, दया की होगी, भक्ति की होगी, समर्पण किया होगा, तब तो ये धन मिला, बोलो पुण्य के उदय से मिला कि पाप के उदय से मिला, और ये सत्संग में पुण्य पाप पुण्य होता है कि क्या होता है बताओ, धन शब्द का प्रयोग का तुम नहीं पढ़ पाओगे, तुम्हारी ताकत नहीं है, पढ़ो एकाग्र होकर के, हम ये नहीं कह रहे नहीं पढ़ पाओगे, उस दिन हमने स्वाध्याय में कहा, हमने भैया ये चुप चुप्पी साध करके, उत्तर नहीं दे करके, अवज्ञा करके ये निधत्ती निकाचित कर्म मत बांधो, तुम चाह का झुकाओ, हम उठे चले आए बैठे, निधत्ती निकाचित कर्म बनते हैं, जानते हो क्या कहते हैं निधत्ती निकाचित कर्म, और इनको मालूम भी नहीं है परिभाषा निधत्ती निकाचित, और भले आदमी पड़ोस में भी नहीं पूछ रहे का निधत्ती कैसे कहते हैं, आज पंडित जी निधत्ती कह रहे थे, निधत्ती कर्म किसे कहते हैं, निकाचित कर्म किसे कहते हैं, कुछ नहीं हो सकता, न संक्रमण, न अपकर्षण, न उत्कर्षण, न उदीर्ण, जैसे के तैसे उदय हम आएंगे, और अगर तुमने तपस्या नहीं की, माने अपना उपयोग नहीं बदला, तो भी भोगने पड़ेंगे रोगे, निधत्ती कर्म इसको कहते हैं। बीमार होने पर दवा भी नहीं मिले, डॉक्टर भी नहीं मिले, कोई हाथ फेरने वाला नहीं मिले, एक ठोकर लगाने वाला और मिल जाए, उठ यहां से चल काम कर, मुंह में से खून निकल पड़ा, चलता आगे नहीं, अभी दो कोड़े और लगाए, ऐसे पढ़े होंगे तुमने, ये अत्याचार और ऊपर से करने वाला मिला, जिले पर नमक छिड़कने वाला और मिल जाए,
ये निरति निकाचित कर्मों के फल हैं। तुम्हें होश है? शास्त्र में आज्ञा है सर्वत्र मौन रहने की, श्रावक की भूमिका में नहीं है। कहां कहां मौन रहना ये लिखा है कि नहीं, और कहां मौन नहीं रहना? धर्म कार्य में बिना पूछे भी करना, बिना बोले बिना पूछे भी बोल देना कोई बात नहीं है। ध्यान रखना दृढ़ता से और विनय से। स्पष्ट का मतलब मोहफट नहीं है, मन में आया तो कह दिया, नहीं, स्पष्टता से और विनय से योग्य वचन बोलना। एक व्यक्ति अचानक उसकी तबीयत बस में खराब हो गई, ट्रेन में खराब हो गई, और अकेला जा रहा था, और पड़ोस का ऐसा बढ़िया आदमी यानी क्या संपर्क मिल गया, उसने उठाया, पानी दिया, फिर आकर के गाड़ी ट्रेन की रोकी और हॉस्पिटल ले गया, इलाज कराया उसका, और बराबर वहीं बना रहा वहां भी रोक करके, और एक पड़ा है तो पड़ा है पड़े रहेंगे। निरति निकाचित कर्म किसको कहते हैं? धन है ये धन, धन की संभाल करते हो और यहां विराधना करते हो। एक व्यक्ति कम ना हो जाए तुम्हारा स्वाध्याय में से, पूजा में से कम ना हो जाए। कहे भैया तुम का नहीं आए, का तकलीफ भाई? इतना प्रेम रखो परस्पर में। धनी निर्धन की बात नहीं है, काय के धनी निर्धन, हम सब एक हैं। जिस धन से नापते वो धन हमारा ही नहीं है। जब लो नहीं शिव लहू तब लो देव ये धन पावना, सत्संग शुद्धाचरण, ये धन है। अगर हमारा आचरण शुद्ध है, हमारे हृदय में दयाशील संयम है, हम धनवान हैं, और नहीं तो काय के कंगाल हैं। तुम्हारे हृदय में दया नहीं, क्षमा नहीं, विनय नहीं, सरलता नहीं, तो काय के हो गए, का लेने देने? जब लो नहीं शिव लहू तब लो देव ये धन पावना, सत्संग शुद्धाचरण श्रुत अभ्यास आत्म भावना। बोलो तो, अहो मुझे तो इस बात की खबर नहीं थी, मैं तो रुपया पैसा को धन मान रहा था, वो धन के नुकसान नफा को नफा नुकसान मान रहा था, उस कमाई को कमाई मान रहा था, ये तो ये कह रहा है। ये आगम क्या कह रहा है तुम्हें कुछ पता है? आगम का श्रद्धान नहीं है तुम्हें, तुम्हें अपनी अपनी बुद्धि पे ज्यादा भरोसा लग रहा है। कैसे बल से कहा होगा, एक घंटे की मोहलत दे दो हमको बस। दीवान अमरचंद ने, अभी की बातें हैं ये, 200-300 वर्ष पहले की, फांसी की सजा हो गई, अपराध अपने माथे ले लिया दूसरे का भी, और फांसी की सजा हो गई, एक घंटे की मोहलत, वहां एक घंटे की मोहलत। एक घंटा पूरा होगा, डॉक्टर आया, सर मुर्दे को फांसी नहीं हो सकती, ये चला गया। कितना साधना होगी, कितना उपयोग सदा होगा। कैसे भरत चक्रवर्ती ने कहा होगा, मैं ध्यान करने के बाद यहां से तीर छोड़ूंगा, मगधा मर यहीं आ जाएगा। कैसे कहा होगा, तुम कैसे बता दे? आत्मा के श्रद्धान के साथ साथ सात तत्वों का श्रद्धान होता है, उसमें पुण्य पाप का भी श्रद्धान है, संयोगों का भी श्रद्धान है। पुण्य पाप का क्या श्रद्धान? जैसे पाप के उदय में प्रतिकूलता स्वयं ही मिलती है बिना चाहे, ऐसे ही पुण्य के उदय में भोग संयोग भी बिना चाहे मिलती है। तो मन करो नहीं चाहिए, जबरन मिलेंगे, जबरन मिलेंगे। और हमने ये देखा है जीवन में, देखा ऐसा नहीं, शास्त्र में देखा हो अकेला, जीवन में देखा, नहीं चाहो तो भी मिलती जबरन। ये पुण्य पाप का श्रद्धान अधूरा, गलत नहीं है लेकिन अधूरा है। पुण्य पाप का श्रद्धान क्या है? ये पुण्य पाप मेरा स्वरूप नहीं है, ये पुण्य पाप की अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं मेरे लिए साधक बाधक नहीं है, सुख दुख का कारण नहीं है। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें या झूठी,
ऐसा श्रद्धान करना चाहिए। पुण्य पाप का श्रद्धान क्या है? पाप के उदय से महान नहीं होता, पुण्य के उदय से, वो पाप के उदय से हीन नहीं होता और पुण्य के उदय से महान नहीं होता। पुण्य का उदय से महान हो तो विचार करो, पाप परिणाम वाला पुण्य के उदय वाला जीव महान कहना पड़ेगा। और पुण्य के पाप के उदय, पुण्य के उदय से अगर पाप के उदय से अगर हीन हो तो उपसर्ग जिनके ऊपर हो से मुनराज को भी हीन मानना पड़ेगा। नहीं होते, पाप के उदय के उपसर्ग होते रहते हैं और वे अपने स्वरूप की आराधना में मगन रहते हैं। आराधना निरपेक्ष होती है, आराधना में किसी की अपेक्षाएं नहीं होती, शर्तें नहीं होती, ऐसो करो तो, ऐसो करो तो, कुछ नहीं। आराधना निरपेक्ष होती है, विचारना। आराधना सदा काल करने योग्य है, विराधना कभी करने योग्य नहीं। सदा काल अपने को आत्मा देखते हुए प्रसन्न रहो। कोई जीव शरीर की ओर देख देख करके, उदय को देख देख करके, पाप पुण्य का उदय है, छह उपशम को देखकर हमारा कम है, इनको इनको पूछते हमें नहीं पूछते। अरे ये सारे विकल्प छोड़ो, सारे विकल्प छोड़ो, कोई बात नहीं। चैतन्य स्वरूप की अनुभूति करते हुए प्रसन्न रहना, ये निश्चय आराधना है। और स्वरूप को, स्वरूप की आराधना को, स्वरूप की आराधना की विधि को, और बोलो स्वरूप की आराधना के फल को दर्शाने वाले इन वितरागी देवगुरु धर्म को देख करके प्रसन्न रहना। अरे भगवान हमारे संग, हम अकेले अकेले का है को भगवान हमारे पास, भगवान हमारे संग, गुरु हमारे हृदय में है, हमें क्या परवाह है। बोलो सुखदायक गुरुदेव बचन जब मेरे मन में करें प्रकाश, तो फिर विश्व शत्रु बन मुझको भले सतत देना नाता, दीन जगत भोजन तक मुझको हो न पास में मेरे बेत, देख नग्न उपहास करें जन तो भी खिन्न नहीं हो चेत। ये व्यवहार आराधना है, प्रसन्नता कैसे लिखी होगी पंडित जी ने, दौलत राम जी ने कैसे लिखी होगी लाइन, नकल कर दी हुए तुम्हारी तरह है, सोचो कैसे लिखी होगी, तुकबंदी जोड़ी होगी, कब फिल्मी तर्ज पर लिख दी होगी। नहीं भैया, धन धन साधर्मी जन मिलन की घड़ी, कैसे लिखा होगा, रोम रोम उनका खिला होगा। ये व्यवहार आराधना है, बाद बाकी सब पाप भाव है जितने तुम्हारे, जहाँ तुम प्रसन्न होते हो वो प्रसन्न होने लायक नहीं। मेरी चल गई, जिनकी चल गई, जिनकी हो गई, जे आए गए, जे मिल गए, हमको हम बड़े हो गए, जे छोटे हो गए, अरे जे सब पागलपन है। मोदय जी के प्रथा आन कल्पना हो, वस्तु के स्वभाव में और वस्तु के अनादिकाल से अनंत काल चलने वाले स्वाभाविक प्रवाह में किसी की नहीं चलती, किसी की नहीं चलती, तुम्हारी हमारी नहीं चलेगी। अगर योग्यता नहीं हो तो अभी उठ जाएंगे, अभी एक शब्द नहीं बोल पाएंगे, और योग्यता है तो भाषा वर्गण निकल रही है, सोच रहे टाइम हो गया हमें भी मालूम है, लेकिन बैठे भैया इस विभूति को समझो, ये हमारी विभूति है, हमारा वैभव है, हमारा धन है, इन आयतनों को भी संभालो और अपने परिणामों को भी संभालो। परिणामों को संभालोगे आयतन अपने आप संभल जाएंगे। बहुत विनय से, बहुत यत्नाचार से, बहुत विवेक से, बहुत तपस्या, त्याग के फल, त्याग से, त्याग जानते हो, त्याग करने भैया ठीक है, तुम संभालो, कोई दिक्कत नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, क्या फर्क पड़ो, एक ही तो बात है, हम और अलग अलग कहां है बन। तपस्या बने, दिन में काम कर रहे, रात में काम कर रहे, जब जरूरत तब काम कर रहे, कर रहे, हमें सेवा करना, धर्मायतन की हमें का लेने देने। बहुत परिणामों के उज्जवल रखना, परिणामों के संभाल में गाफिल मत होना।
सवेरे ही कल इन्होंने बताया, वो ढाई जी बना रहे थे मुकेश, माँ शांत हो गए, कह ज्यादा उम्र नहीं कछु नहीं, हम ये कह रहे बड़ी बड़ी बातें मत करो, छोटी छोटी बातों पर ध्यान दो, बड़ी बड़ी प्लानिंगें मत करते रहो, छोटे छोटे कामों को अपने संभालो। रोज घटना ऐसी सुनते रहते हैं, लेकिन सुनी अनसुनी मत करो, शिक्षा दो, सीखो समझो। आराधना और विराधना के फल काय के लिए हैं? आराधना में लगने के लिए और विराधना से बचने के लिए। ओम नमः। प्रसन्नता ही टॉनिक है। हम सब भी अपने जीवन में प्रसन्नता चाहते हैं, लेकिन यदि वह प्रसन्नता बाहरी है तो क्षणभंगुर है और आकुलता को ही प्रदान करने वाली है, और वह प्रसन्नता आंतरिक है तो है शाश्वत है। बढ़ते हुए व्यापार धंधे को देखकर के प्रसन्नता होगी, पाप बांधेंगे। धर्म धर्मात्मा धर्मात्मा को देखकर के प्रसन्नता होगी, पुण्य बांधेंगे, और अपने निकट आकर के प्रसन्नता होगी तो साक्षात धर्म होगा। ऐसा प्रसन्न रहने का मार्ग बताया। दूसरी गजब की बात चली थी, सत्संग धन है। ये जो सत्संग संप्रदाय क्या है? धन है। उस धन को आप अकेले भोगना चाहते हो या पूरे परिवार के साथ भोगना चाहते हो? परिवार के साथ। तो अभी जिनवाणी की स्तुति के बाद में जब कायोत्सर करोगे तो अपने अंतर में इस बात का संकल्प लेके उठना कि जब तक भैया का समागम है तब तक हम दो दो चर्चा साधनियों से और विनय करके उनको इस सत्संग में बढ़ाएंगे। तब समझेंगे आपने इस धन को पहचाना है और सब में मिलमाट करके उसका सेवन किया है। हर व्यक्ति का एक कर्तव्य है कि आपस में दो दो चर्चा व्यक्तियों से कहो, जितने भाग्यशाली होंगे वो जुड़ जाएंगे। वैसे हमारे दो तीन पॉइंट और रह गए, आपके समय हो रहा है। जैसे मैंने आपस की साधनियों के लिए कहा है, उसी श्रृंखला में अभी कुछ दिन से पूजनीय पंडित साहब से थोड़ा मार्गदर्शन मिल रहा है। आपके घर के, आपके पड़ोस के, आपके रिश्तेदार नातेदार में जितने भी बच्चे बच्चियां हैं, उनको सबको धर्म की पाठशाला में जुड़ने के, अपने धार्मिक संस्थानों में पढ़ाने के, बार बार संस्कार देने, प्रेरणा करें। क्यों? यदि उनकी पढ़ाई सही दिशा में हो गई तो उनका पूरा जीवन शांति से कटेगा और उनको देखकर आपको भी प्रसन्नता होगी। और यदि वो बच्चे वर्तमान के वातावरण को देख करके, बाहर के वातावरण को देख करके, बिना सोचे समझे, बिना बड़े लोगों की सलाह के कोई दूसरी लाइन पकड़ लेते हैं तो उनको वो पढ़ाई लिखाई भी पूरी ढंग से नहीं हो पाती है और आगे का जीवन भी बर्बाद होता है। तो उन बच्चों को धर्म की पाठशाला में भी जोड़ना है, और हम सबकी जिम्मेदारी है अपने घर के अड़ोस पड़ोस के रिश्तेदारों के बच्चों को उनकी शिक्षा का योग्य मार्गदर्शन मिले। जैसे पंडित की एक भावना है कि बच्चियां यदि घर गृहस्थी के जो काम होते हैं उनको भी सीखें, और वो होम साइंस आदि जो पढ़ाइयां होती हैं उनको यदि सीखती हैं तो उनका जीवन परिवार में बैलेंस बनाने में काम आ जाता है। और इस पढ़ाई को छोड़कर के दुनिया की अंधी पढ़ाई में भागते हैं तो घर भी बर्बाद होता है और जीवन भी बर्बाद होता है। तो अनेक एंगल से बच्चों की पढ़ाई का ध्यान रखना है। शहरों में इस बात की प्रेरणा करते हैं, कदाचित कोई बच्चे सर्विस के लिए अपनी रुचि दिखाते हैं तो उनसे कहो अपने बड़े जनों से पहले सलाह ले रहे हैं, अपने स्तर का मापदंड नापें कि हमारा वास्तव में अध्ययन का